और एक बार फिर हमारे समाज को अंधकार ने घेर लिया। हाँ जी भाई साहब, राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर, आशुतोष राणा, वीरेंद्र सक्सेना, दिया मिर्जा, कृतिका कामरा और पंकज कपूर जैसी स्टार कास्ट के साथ एक ऐसी फिल्म अनुभव सिन्हा साहब बनाने जा रहे हैं जो कि आपके और मेरे दोनों के रोंगटे खड़े कर देगी अगर पूरी सच्चाई और ईमानदारी से इस फिल्म को बनाया गया तो। दरअसल अनुभव सिन्हा साहब ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है भीड़, जो कि हमें 3 साल पीछे यानी कि 2020 में एक बार फिर से लेकर जाती है और ये बताती है कि कैसे एक बार फिर देश का हाल साल 1947 के जैसा हो गया था, जहां लोगों को ठीक बंटवारी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, घर से बेघर होना पड़ा, न जाने कितने एक्सट्रीम लेवल के दुखों से गुजरना पड़ा, जो घर सालों से उनके थे, जहां वो सालों से रहते थे, एक झटके में उन्हें वहां से निकाल दिया गया, नौकरियों से निकाल दिया गया और लोग अपने घरों की ओर लौट चले, जिससे लाखों की संख्या में बसों और रेलवे स्टेशनों पर भीड़ देखी गई और कई समस्याएं भी। ऐसे में कुछ लोग इन्हीं दिक्कतों से निपटने के लिए लोगों की और सरकार की मदद करने में व्यस्त थे, तो कुछ लोग यहां पर भी पॉलिटिक्स खेलने में मस्त थे। देश के अंदर ही जहां सरहदें बन गई थी, मानो जैसे एक बार फिर से देश को बांटा जा रहा हो, कोई चाहकर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था। लोगों ने अपनों को खोया, अपने सपनों को खोया, कई देशों की इकोनॉमी गिर गई, कई देश बर्बाद हो गए, लोगों के पास खाने को नहीं बचा। ऐसी भयावह और भयानक तस्वीरें जिसे देखकर दिल भी सन्न रह जाए। ये फिल्म उसी माहौल को, उन्हीं दृश्यों को, उन्हीं बिलकती और नम आंखों को हमारे सामने फिर से लाने वाली है। ये कहानी उन लोगों की है जिनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई। फिल्म रिलीज हो रही है 24 मार्च को, जिसका एक छोटा सा टीजर या यूं कहें कि अनाउंसमेंट वीडियो आज आ चुका है। आई होप कि अब तक तो आपने भी इसे देख ही लिया होगा। बाकी फिल्म में राजकुमार साहब पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, वहीं भूमि मैम डॉक्टर के रोल में नजर आएंगी और डायरेक्टर तो अनुभव साहब हैं ही, जिनके पास वैसे भी अनुभव की कोई खास कमी नहीं है। बेंजुदू ने रावण, तुम बिन, मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है भाई। और वैसे इन लोगों ने इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया है, मैं भी शायद फील क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये इंडिया के सबसे काले समय की सबसे काली तस्वीरें होंगी। बाकी ट्रेलर भी इसका एक दो दिन में आ ही जाएगा, तो उसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।